गुड मॉर्निंग दोस्तों, बंसी विष्णु एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मेरे साथ है ऑस्कर और अभी हम इस रेस्टोरेंट में चाय और चपाती खाया जो करीबन 200 सीलिंग का पड़ा। और अभी हम जा रहे हैं एक मार्केट में जाने के लिए निकले हैं और मार्केट काफी दूर है, 7 किलोमीटर। और मार्केट में हम आपको दिखाएंगे वहाँ पे चोर मार्केट जैसा कुछ सीन है और वहाँ पे बहुत सारी डुप्लीकेट चीजें मिलती है और वहाँ पे फोन वगैरह सीनने की घटना भी बहुत सारी होती है। तो आज हम चेक करेंगे कि वहाँ पे जाके हमें क्या देखने को मिलता है। तो मैं अकेला तो कतई नहीं जाता, लेकिन मेरे साथ ऑस्कर है तो सब कुछ पॉसिबल है। ऑस्कर सारी दुनिया जानता है इधर नैरोबी की। अभी यहाँ पे देख सकते हैं कि कितने सारे लोग हैं। हम जा रहे हैं एक मार्केट में और ऐसे तो ढूंढ पाना मुश्किल है, लेकिन जब हमारे साथ लोकल बंदा हो तो सब कुछ पॉसिबल है। बस वगैरह सब कुछ मिल जाता है, लेकिन बसें यहाँ की बहुत ज़्यादा पेंट की हुई है। कहीं भी कुछ भी हो सकता है भाई। यहाँ पे बस देखो पीछे आ रही है, किसी को पता ही नहीं है। और ये महिला है यार बस को ऑपरेट कर रही है। ओह शिट, वुमेन आल्सो डूइंग दिस थिंग। कंडक्टर वुमेन आल्सो कंडक्टर। या सम वुमेन ड्राइव आल्सो बस। या कमाल है। भाई कमाल है, मजा आ गया यहाँ पे तो घूमने का। ओके आजा कुछ हुआ। सो अभी हम चलते हैं मार्केट में, बस दिखाते हैं आपको। यार बस ढूंढ रहे हैं लेकिन बस मिल ही नहीं रही है। कब से ढूंढ रहे हैं, सबको पूछताछ कर रहे हैं। कोई बोल रहा आगे है, कोई बोल रहा पीछे है। How are you? I'm doing fine. What about you? I need a bus. We want to go which area? Vidurai. Vidurai 45. Yes. Yeah, this one? Yes. Okay, what's your name? Dennis. Oh, it's okay. ये वाली बस है भाई, इसमें जाना है ब्रो। तो विदुराई। So we are already Vidurai पहुंच चुके हैं। अभी मार्केट में बाहर जाके दिखाते हैं। ये मोस्ट डेंजरस नेबरहुड्स हैं, यहाँ पे किसी भी टाइम पे कोई भी किसी का घर तोड़ फाड़ कर सकते हैं, ऐसी यहाँ की परिभाषा है। जैसा कि मैंने गूगल पे सर्च किया तो ये मोस्ट डेंजरस नेबरहुड में आता है गितुराए। सो ये बस जर्नी यहाँ पे आके ख़त्म होती है। Welcome and slap you. बस से उतरते ही भाई ने बोला कि तुम पकड़ना टाइट से, बाद में दूसरी बात करना भाई। तो भाई ठीक है, मैं आसपास देखता रहता हूँ। और गितुराई के मार्केट में देखो भाई, इस तरह से बाजार लगी हुई है और सब्जियाँ, केला, ऑनियन, प्याज सब कुछ यहाँ पे बिकता है। और ये है यहाँ की मार्केट भावता भाई। देखो मैं नहीं कह रहा, ये सारे इंडियन मसाले हैं। देखो सो ये देखो भाई, ये है मोस्ट डेंजरस मार्केट, इसको बोलते हैं गिदुराए 45। हमारी भाषा ये है बड़ा बड़ा की कि वो भी सबसे खतरनाक वही होते हैं, वही सब लूटपाट करते हैं। How are you? जैसा कि मैंने पता है इधर जितनी भी महिला हैं जिनके बाल आपको दिख रहे हैं वो सारे डुप्लीकेट हैं। अगर बाल डुप्लीकेट नहीं है तो ऐसे बाल। I was just telling you the truck is good. It's a truck is good. तो अभी हम यहाँ पे वॉक करके ये फील करना चाहते हैं कि वास्तव में डेंजरस है या नहीं है, कोई इंसिडेंट होता है या नहीं होता है, यहाँ के लोग कैसे हैं, सब कुछ। और कैमरा को टाइटली होल्ड करते हैं, राइट? यस, यू शुड होल्ड इट टाइट। दे आर पीपल क्रेजी। या देसी कैमरा देसी मनी है ये। ऐसे लोग यहाँ वहाँ खड़े दिखेंगे आपको। सो
we are going this side. कुछ लोगों का ग्रुप होता है. ओह माय गॉड, इधर भी एक आदमी नाली में. मैं तो इसके ऊपर ही जा रहा था और इधर भी है. कम कम कम. बट वी आर नॉट सोइंग देयर. इधर भी एक आदमी सो रहा था भाई, देखा आपने. और यहाँ इस ब्रिज के नीचे काफ़ी सारे आपको लड़के दिखेंगे जो ऐसे ही है. ज़्यादा दिखाना नहीं चाहता भाई, बोल रहा है कि वो नाराज़ हो जाएंगे. तो हम धीरे धीरे इस चीज़ को कोशिश करते हैं कि आपको थोड़ा थोड़ा दिखा सके. So here at night you can't pass at all. Yeah. If you are alone, You say like you take everything. Yeah, it say like you take a Buddha Buddha. Then Buddha Buddha. Or you take a matra, because if you are alone and at the minute they will know that you are not from this place. You will go home with a boxer. देख लीजिए भाई, अगर आपको नाइट यानी सात लाइक इवन एट आफ्टर एट पी एम आफ्टर सेवन थर्टी आप जैसे ही अंधेरा होने लगता है आप यहाँ पे अकेले नहीं आ सकते. और आ गए तो आपके हाथ में कुछ नहीं बचेगा, सारा कुछ छीन लिया जाएगा. तो यहाँ पे ऐसी सिचुएशन है, तो हम भी जल्दी से यहाँ से निकल जाएँ तो बेटर है. लेकिन मैं थोड़ा आपको दिखाना चाहता हूँ यहाँ पे लाइट है. एक्चुअली होता क्या ना, यहाँ पे लोग लॉट ऑफ पीपल ड्रिंकिंग अल्कोहल एंड स्मोकिंग एंड दे डूइंग दिस थिंग. या मोस्ट ऑफ देम दे वांट दैट यू सो स्लीपिंग देयर इन द इन गटर. गटर में सो रहे भाई. और वन मोर थिंग, हियर इज अ लॉट ऑफ गैंगस्टर गैंग आल्सो फोन स्नैचर्स लाइक इट्स दे आर कॉल्ड pickpocketers. Yeah. And yeah, there's no gangster. Mugger? Yeah, mugger, like the people who break into your house. Yo, mugger bolte hain. If you are going, if you live here and you are going to work far away from your house, you need to put like 3 locks. ओ भाई साहब, ये मामला है. भाई साहब मैं आपको एक बात बता दूं कि मैंने भाई को बोला कि 90 में 100 में से 90 लोग ही ख़राब नहीं होंगे, 90 लोग अच्छे होंगे और 10 लोग ही ख़राब होते होंगे. लेकिन ये भाई बोल रहे हैं नहीं, आप उल्टा बोल रहे हैं, 10 लोग सही हैं, 90 लोग खराब है. इधर फिर आप बोलोगे आप दूसरी कंट्री में जाके फेंक फेंक कर रहे हो. इज ट्रू लाइक 90% पीपल इज नॉट गुड. ये 90% आर बैड. दे जस्ट वेटिंग फॉर स्कैम. मार्केट है उधर, कोई व्यवस्था नहीं है. बेचारे लोग ऐसे ही घूमते हैं, कोई रोड नहीं, कोई कुछ नहीं. The place where you work, it's your responsibility to keep it clean. Yeah. But if you can't keep it clean, matato, matato. Working for you. So अभी यहाँ पे मक्का खरीद लेते हैं, 50 सीलिंग का है. Yes. Yeah, buy two. Katanisha. और मेरे पीछे देखो बड़ा बड़ा वाले लाइन लगा के खड़े हैं. जो पीछे वाली गली देख रहे हैं वहां से मैं आ रहा था, एक बंदा आया वो पता नहीं क्या बोल रहा था, बोला इधर आओ उधर. फिर मैं तुरंत वहां से निकल गया, मुझे थोड़ा थोड़ा खतरनाक बंदा लग रहा था. और एक बात, मार्केट में आने से पहले मैंने सब थोड़ा सा पैसा और एक फोन बस, और कुछ भी नहीं लाया. और शाम हो रही उससे पहले यहाँ से भाग जाऊँ. अभी देखा मैंने जैसे ही कैमरा चालू करके आ रहा था, एक बंदा भागे भागे आया मेरी तरफ. मुझे जैसे ही पता चला मैंने फटाक से मेरा कैमरा जेब में डाल दिया, वो निकल गया वहाँ से फटाक से. वो मेरे इस तरफ से आ रहा था, आपको शायद कैमरे में दिख गया होगा, लेकिन हो सकता है दूसरे रास्ते से वापस भी आ जाए. अब हम ये पतली गली पकड़ के यहाँ से बाहर निकल रहे हैं. देखो ये रास्ता, सच बताऊं तो एक बंदा हमें फॉलो करने लग गया यार. काफी मोटा तगड़ा बंदा था, लाल टोपी पहने हुए. तो फिर भाई ने बोला कि मार्केट में घुस जाओ और गायब हो जाओ, इसी में भलाई है. अभी हम लोग इस सीधा मार्केट में घुस गए. देखो यहाँ पे छोटी छोटी पतली पतली गलियाँ में हम पीछे भी देख रहे हैं कसम से. पहली बार थोड़ा सा ऐसा लगा कि यहाँ से निकल जाना चाहिए. वो बंदा आगे चल गया और आगे जाके पीछे कार के पीछे बैठ गया और किसी और बंदे को भी उसने बोला. तो हमने वहाँ से निकलना ही भलाई समझा. उस पतली गलियों में आप गुम हो सकते हैं, कोई पता ही नहीं चलता है, कहीं मिलता ही नहीं है.
Yeah. Now it's safe. That guy follow? He stopped. I think maybe. So हमने उसको कंफ्यूज कर दिया और हम लोग इस तरफ आ गए. बट यहाँ से जल्दी से निकल जाना ही भलाई. थोड़ा खतरा महसूस हुआ. ये इस तरफ का पूरा मार्केट है. दिस इज 45. इट्स 45 और 44 है. मार्केट के यहाँ पे तो ठीक ठाक लग रहा है, लेकिन इसके पीछे अगर आप गलती से जाते हैं ना तो काफ़ी खतरा हो सकता है. तो अभी हम लोग इसी तरफ गए थे, तभी यहाँ पे दो बार हमको भी ऐसा लगा कि कुछ गड़बड़ है, यहाँ से जल्दी से निकल जाओ. तो हमने जल्दी से निकलने में भलाई समझी, जबकि मेरे साथ ये भाई भी है लोकल. तो भी तो और इधर इतनी अफरा तफरी और भीड़ होती है ना कि आपको समझ नहीं आता कि कौन बंदा सही है, कौन क्या करेगा, किसी को कुछ पता नहीं है. इसलिए अच्छा है कि आप जल्दी से यहाँ से खचक जाओ. तो हम भी ऐसा ही करते हैं. सो यहाँ पे देखो भाई, बहुत सारी बस है. अभी वो हमारे साथ झगड़ा करने लग गया, बस के पास खड़ा था. रिकॉर्ड माय वीडियो. नो रिकॉर्ड माय चैनल. सो यहाँ पे देखो भाई, बहुत सारी मटाटो है इसके बीच में चल रहे हैं. जल्दी से निकल जाना यहाँ से भी सही रहेगा. सो भाई यहाँ पे एक बात और नोटिस की बस में, कि विंडो साइड कोई बैठना ही नहीं चाहता. अभी मैंने देखा विंडो साइड की सभी सीटें खाली पड़ी थी और दूसरी तरफ की सीटें फुल. तो हम लोग विंडो साइड बैठ गए और बस में धमाधम की आवाज़ जो सुनाई दे रही है, ये है कंडक्टर जो बजा बजा करता है. तो अभी हम बाहर की तरफ थोड़ा सा देखते हैं. अभी एक और बात बताता हूँ, इस भाई जो मेरे साथ में भाई है, ये तो लोकल भाई है, इसने फ़ोन को कहाँ छुपा रखा. देखो, वेयर इज योर फोन? जैकेट के इनसाइड एक अंदर पॉकेट बना हुआ, उसमें रखा हुआ है. सीक्रेट पॉकेट. और अब विंडो पे कुछ भी हलचल करना काफ़ी खतरनाक हो सकता है, क्योंकि लोग यहाँ से ऐसे करके भाग जाते हैं. और अभी हो गई रात, हम बस से यहाँ पे आ गए हैं और यहाँ पे नाइट वॉक भी देख लीजिए. ये भी अनुभव हो जाएगा कि किस तरह से लोग इधर से उधर जा रहे हैं. और यहाँ पे गाड़ियाँ अभी सिर्फ बसें चल रही. सो नॉट ट्रैफिक राइट नाउ आउटसाइड ऑफ द टाउन इज वेयर देयर इज ट्रैफिक, बट हियर इन टाउन देयर इज नो ट्रैफिक. एंटरिंग इज द इशू, एंटरिंग एंड गोइंग आउट. Matatu? Yeah, it's too crazy. It's nice, huh? और 50% से भी ज्यादा महिलाएं यहाँ पे, लड़कियां महिलाएं हैं. लड़कियों को जीने के लिए काम करना ही पड़ेगा. मैं यहाँ पे तीसरी बार आया हूँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है कि लोकेशन कहाँ पे है. चारों तरफ आपको सिर्फ मटाटू दिखेगी, बसें ही बसें, कोई हिसाब किताब नहीं है. लॉट ऑफ थाउजेंड ऑफ मटाटू हियर. देयर इज अ लॉट ऑफ मटाटू एंड दे ऑल गो टू अ डिफरेंट प्लेसेस. या ये देखो, सजी धजी मटाटू ही मटाटू आती रहेगी. आप जब तक यहाँ पे चलते रहोगे, आपको मटाटू आपके ऊपर भी चढ़ा देते हैं. ब्रेकिंग सिस्टम देखो, गजब टेक्नोलॉजी यूज करे भाई. ब्रेक देना है तो ये पीछे की तरफ छोड़ देंगे, वो टायर जमीन को टच हो जाएगा तो ब्रेक लग जाएगा. और अगर भगाना है तो भाई भागेगा आगे से, दोनों आदमी लटक जाएंगे तो भागने लग जाएगा. ये यहाँ के सिस्टम है. इस तरफ इस कार के पीछे कुछ लोग बैठे हुए हैं, वो सब स्ट्रीट बॉय हैं. ये सारे ऐसा ही करते हैं, मतलब लेके भाग जाना, ये इनका सिस्टम है. कौन है पता नहीं, हिंदी बोल रहा है और मुझे बोल रहा है आजा आजा अंदर आजा. मैं भाग जाता हूँ होटल में यार, जल्दी से. दारू पिया वो पाकिस्तानी लग रहा था मुझे.
तो अभी एक भाई हिंदी बोल रहा था, मुझे लग रहा पाकिस्तानी था, और साला मुझे पकड़ लिया, बोलता है चल मेरे साथ चल बात कर रहा है। मैं आके ऊपर आ गया और अभी वो लंबे लंबे बाल वाला था, इधर आ गया था भाई ये बंदा और इधर ही मुझे पकड़ लिया था इस गैलरी के अंदर ही, होटल के अंदर ही, और मुझे बोल रहा है भाग कहाँ रहे हो। तो अभी मैं सिक्योरिटी वाले को बोला अभी हम देखने जा रहे हैं वापस। अभी यहाँ पे नहीं है, अभी इधर था। इस तरह का आपके साथ भी हो सकता है, ये भाई भी है, इन्होंने भी देखा था, यू नो यू वॉचिंग ये सही। तो मुझे पकड़ लिया भाई, ऐसे खतरनाक लोग होते हैं। पाकिस्तानी दिख रहा था मुझे, वो उसकी भाषा से लग रहा था। मैं यार एक बार तो काफ़ी डर गया, मैं इधर था तो मेरे पीछे पीछे आया तो मुझे समझ में आ गया कि कुछ गड़बड़ है, तो मैं यहाँ गया और तब वो मेरे पीछे आ रहा था तो मैं वापस मुड़ गया, वो बंदा उधर गया वापस आया मुझे फॉलो कर रहा। मैं बाहर गया पीछे पीछे आया तो मुझे बोलता है कहाँ जा रहे हो, मेरे साथ आओ। तो मैं अंदर आ गया, फिर से अंदर आया तो फिर वो मैं भाग गया अभी यहाँ से। ऐसा भाई साहब इंसिडेंट यार, अभी मुझे काफ़ी डर लग रहा है यार। मतलब अभी तो मैं ठीक हूँ लेकिन उस समय मुझे काफ़ी डर लगा है। इसलिए तो रात को बाहर नहीं जाना चाहिए यार, काफ़ी मुश्किल हो जाती यार। वाह, तो भाई देखा अभी आपने किस तरह से मेरे साथ इंसिडेंट हुआ। पहले मैंने, मेरे साथ गाइड था आपको पता है, उसने मेरे को जैसे ही होटल पे ड्रॉप किया और दरवाजे पे मैं मिला के बस एंटर होने ही वाला, अंदर ही जा गया और पीछे पीछे भाई आ गया। देखो तो आप कहाँ तक सेफ है आपको समझ में आ रहा होगा। मैं पूरा दिन घुमा कहीं कोई नई प्रॉब्लम हुई, पूरा अफ्रीका घूमने आया हूँ, मतलब तंजानिया, युगांडा, रवांडा, कहीं कुछ नहीं हुआ और यहाँ दरवाजे के अंदर घुसते ही मेरे साथ ऐसा हुआ, और वो भी पाकिस्तानी था, फुली ड्रंक, लंबे लंबे बाल, मोटा सर का आदमी, और मुझे पकड़ के बोल रहा है जा कहाँ रहे मेरे साथ चलो। हिंदी बोला और फिर इंग्लिश बोला, उर्दू जैसा बोल रहा था। तो उस समय अचानक तो मैं काफी डर गया, लेकिन थोड़ा अंदर आने के बाद मैं संभला और फिर मैंने कैमरा चालू किया तो फिर बंदा दरवाजे के पास ही रुक गया, अंदर नहीं आया। फिर मैं बस वहां से ऊपर आना ही सेफ समझा और मैं फटाफट से ऊपर आ गया, फिर मैं होटल वालों को, दो जनों को लेके वापस गया, तब तक वो बंदा चला गया। तो यार बहुत बुरा हुआ और काफी बुरा फील कर रहा हूँ, लेकिन कुल मिला के ठीक है यार, ऐसा कुछ होता रहता है थोड़ा बहुत। यहाँ ये मैटर नहीं कर रहा इंडियन, पाकिस्तानी या अफ्रीकन, ऐसा नहीं है, बात यह है कि सेफ्टी की बात है। तो मैं यहाँ पे ये इल्जाम नहीं लगा रहा कि पाकिस्तानी है तो बुरा इंसान, ऐसा नहीं है। जो भी था, मतलब कुल मिला के देखा जाए तो ये सिटी सेफ नहीं है आपके लिए, अकेले के लिए। नॉर्मल बंदा था कोई और अफ्रीकन होता रहो, वो बहुत ज्यादा आक्रामक होते हैं, तो उनके साथ कैसे मतलब काम हो सकता है, वो तो समझने वाली बात है, आप समझ सकते हैं। चलो इस वीडियो को एंड करते हैं, सेफली हम लोग घर पे पहुंच गए, रूम पे, बाहर ताला लगा है, सिक्योरिटी वाले भी बैठे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, इश्यू नहीं। तो ये बातें हैं, बस हमेशा ध्यान रखिए कि खासकर केन्या में खास ध्यान रखना पड़ेगा, बाकी तो सब ठीक है। तो इस वीडियो को एंड करते हैं और ये पूरा आपको दिखाने की कोशिश की कि इस जगह पे तीन बार मुझे ऐसा लगा आज के इस वीडियो में कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हो रहा है, लेकिन फाइनली हम लोग सेफ आ गए। ओके, गुड नाइट, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।